कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला इंदौर के चमेली देवी पब्लिक स्कूल का है, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा पालकों पर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं अब अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पालकों के समर्थन में उतर आई है, जिसके चलते मंगलवार को चमेली देवी पब्लिक स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एबीवीपी महानगर मंत्री लक्की आदिवाल का कहना है कि जब तक स्कूल प्रबंधन फीस कटौती नहीं करता, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हम स्कूल प्रशासन की जो मनमानी हो रही है उसको लेके आए हैं। फीस वृद्धि उन्होंने कर दी है कोरोना काल में और कम नहीं कर रहे रुपए। पेरेंट्स हमारे साथ हैं, पेरेंट्स को लेके आए हैं। स्कूल प्रशासन से बात हुई है, स्कूल का कहना है कि हमने फीस वृद्धि नहीं की है, जबकि इन्होंने 15% कुछ फीस बढ़ाई है। और कम करने की बात करें तो वो बातों को घुमा रहे हैं, अभी भी एक्चुअल वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम से हमारी अंदर बात हो रही थी, प्रतिनिधि मंडल जो अंदर बात कर रहा था, वो एक्चुअल जो चीज़ है उस पर बात नहीं कर रहे मैडम।